हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक नया कंसेप्ट किया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव। होपफुली अब आपको वो क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव दो वर्ड से मिलके बना था, एक डायरेक्शनल एक डेरिवेटिव। पहले हमने गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के उसको एक वेक्टर की डायरेक्शन प्रोवाइड की थी। होपफुली वो अब उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी हमने सोल्व किया था, होपफुली अब उसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे कंपैरेटिवली मुश्किल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, सो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे तरह क्लियर हो जाए। अगेन, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। अगर स्टिल कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और ईमेल कीजिए। अगर कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट लगता है वो तो प्लीज जरूर आप उसको पेन डाउन कीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे एक नया क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइ इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड क्यूब एट द पॉइंट 2-1-1 इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट पॉइंट 2-1-1। ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट है, अभी समझेंगे क्या ट्विस्ट है। तो अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ चुका है एनआईटी पटना में 2015 में, वीटी वेलोरे में 2009 में और यूपीटी यूपी में 2010 में। अब थोड़ा ट्विस्ट क्या है इसमें वो समझते हैं। पहला बात है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो चलो डायरेक्शनल पे हम बात छोड़ देते हैं, डायरेक्शनल का मतलब हम बाद में पता लगेंगे। डेरिवेटिव निकालना है इसका, पहले तो इसका डेरिवेटिव निकालना है। वो आपको पता है कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेडिएंट। वो आगे बात क्लियर। पॉइंट दे रखा है, उसका तो काम क्या होता है? सिर्फ एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इन द डायरेक्शन। ठीक है जी, डायरेक्शन देगा किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्टिव, डायरेक्शनल डायरेक्टिव तो किसी डायरेक्शन में निकलता है। इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस, ये इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में आपको चाहिए। तो अगर आपको किसकी डायरेक्शन में चाहिए? इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो पहले तो आपको इसका नॉर्मल निकालना पड़ेगा, फिर आपको उसकी डायरेक्शन चाहिएगी। तो आपको पता है किसी भी सरफेस का नॉर्मल कौन निकालता है? समझाया था लास्ट लेक्चर में, किसी भी सरफेस का नॉर्मल निकालता है उसका ग्रेडियंट। तो ध्यान रखिएगा, होपफुली आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो यहां डेरिवेटिव निकालना है तो इसका मतलब ग्रेडियंट निकालना है। यहां नॉर्मल वेक्टर चाहिए पहले डायरेक्शन के लिए, तब भी आपको क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट। तो दो बार आपको ग्रेडियंट निकालना है, एक बार फर्स्ट इक्वेशन का, एक बार सेकेंड इक्वेशन का। फर्स्ट का क्यों? क्योंकि उसका डेरिवेटिव निकालना है। सेकेंड का क्यों? क्योंकि उसके नॉर्मल की डायरेक्शन मुझे चाहिए। तो पहले नॉर्मल निकालना पड़ेगा और फिर उसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। होपफुली कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बस मैं इसको अब सिंपलीफाई कर रहा हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। द गिवन फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। आपको पता है इसका आपने डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? डेल। ठीक है, तो डेल का मतलब क्या होता है बच्चे? आई कैप कर्ली पकड़ली एक्स प्लस जे कैप कर्ली पकड़ली वाई प्लस के कैप कर्ली पकड़ली जेड इंटू फाई क्या है? एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब। आपको पता है किसी स्केलर की किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हो? उस स्केलर को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जब इसके हाथ करोगे विसेक टू एक्स डेरिवेटिव होगा, करो विसेक टू एक्स तो यह आएगा वाई स्क्वायर, इसका जीरो आएगा तो वाई स्क्वायर आई कैप विसेक टू वाई करो टू एक्स वाई प्लस जेड क्यूब जे कैप प्लस विसेक टू जेड करो, यह आएगा बच्चे इसका जीरो आएगा और इसका आएगा थ्री जेड स्क्वायर तो थ्री वाई जेड स्क्वायर के कैप। तो ये आया आपका फर्स्ट ग्रेडियंट, दैट इज डेरिवेटिव। उसके बाद आपको पॉइंट दे रखा है एट पॉइंट 2-1-1 इन इक्वेशन वन। तो इक्वेशन वन में पुट कीजिए, तो पुट किए करेंगे यहां ठीक है, पुट कीजिए
तो x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 1। जब आप इसको पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका a वेक्टर आएगा बच्चे i कैप -3j कैप -3k कैप। तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव जो आपने निकालना था। तो डेरिवेटिव निकल चुका है, आपको डायरेक्शन भी चाहिए किसी वेक्टर की, बट यहां डायरेक्ट वेक्टर नहीं गिवन जिसकी डायरेक्शन चाहिए, आपको एक सरफेस का नॉर्मल निकालना है उसकी डायरेक्शन चाहिए। चलो तो ये तो हो गया डेरिवेटिव। अब द गिवन सेकंड इक्वेशन इज, सेकंड इक्वेशन पता है मुझे, आपको पता है उसका कोई नाम देते हैं, सब कुछ एक तरफ करते हैं, लकीली एक तरफ है सब कुछ, तो उसका एक नाम देंगे, मैंने उसका नाम एफ दे दिया उस फंक्शन का नाम। तो एक्स लॉग जेड माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालना है इसका नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर ऑफ एफ कैसे का मतलब क्या होता है, उसका ग्रेडियंट, उसका ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है उसका डेल, ठीक है। तो i कैप कर ली पकड़ ली x प्लस j कैप कर ली पकड़ ली y प्लस k कैप कर ली पकड़ ली z, x log z माइनस y स्क्वायर प्लस 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं log z i कैप माइनस 2y j कैप प्लस x y z k कैप। मैं एनफ बार ये करा चुका हूं डिटेल्ड में, होपफुली मुझे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड वे में इसको लिख दिया। उसके बाद पुट पॉइंट 2-1-1 इन इक्वेशन 2, इसका भी पॉइंट मुझे गिवन था 2-1-1। पुट करो बच्चे x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे log 1 जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। तो 0 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप, ये आ गया आपका नॉर्मल वेक्टर। तो अब करना क्या है, ये डेरिवेटिव आ चुका है, इसको डायरेक्शन किसकी देनी है, इस नॉर्मल वेक्टर की। तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए मुझे, तो नॉर्मल वेक्टर तो निकल गया, आप इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या है, उसका किसी वेक्टर की डायरेक्शन कौन देता है, उसका यूनिट वेक्टर। तो बी वेक्टर आ चुका है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, बी कैप। और कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई वाले का स्क्वेयर प्लस जे वाले का स्क्वेयर प्लस के वाले का स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। तो 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन, ये रूट 8 आएगा बच्चे, 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, और 4 का स्केयर रूट होता है 2। तो ये 4 का स्केयर रूट बाहर आ गया 2 और अंदर 2 पड़ा रहा 2√2। इसको मैंने बांट दिया सबको, तो 0 के नीचे अलग 0 आई कैप आया, 2 के नीचे अलग 1/√2 जे कैप आया और 1/√2 के कैप आया। तो ये मेरे को मिल गई डायरेक्शन। अब डायरेक्टिव भी मेरे पास है, डायरेक्शन भी मेरे पास है, बस मुझे डायरेक्शनल डायरेटिव निकालना है। तो डायरेक्शनल डायरेटिव कैसे निकालते हैं, डायरेटिव को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायरेटिव मेरे पास है ए वेक्टर, डायरेक्शन है मेरे पास बी कैप, मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट। तो करो बच्चे, तो ये है आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, 0 आई कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/√2 k कैप। डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब मैंने बताया था वैसे कायदे से, तीन टर्म्स इधर हैं, तीन टर्म्स इधर हैं, तो मल्टीप्लाई करके 9 टर्म्स आनी चाहिए, बट डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई वन आई डॉट जे आई जे डॉट जे वन के डॉट के वन होता है, बाकी सारे आई डॉट जे जे डॉट के जे डॉट आई सब जीरो होते हैं। तो सिर्फ आई डॉट आई सर्वाइव करता है, जे डॉट जे सर्वाइव करता है, के डॉट के सर्वाइव करता है, इसलिए मैंने वही लिखे हैं, बाकी सारे ड्रॉप कर दिए। तो 1 × 0 प्लस माइनस 3 × 1/√2 प्लस माइनस 3 × 1/√2। तो ये बच्चे आया -3/√2 -3/√2 -6/√2। जनरली आंसर में जो फाइनल आंसर होता है उसमें स्केयर रूट की टर्म डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ा करते, तो मैं उसको स्केयर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। तो ऊपर भी स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी स्केयर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर आ गया 6√2, नीचे √2 × √2 दैट इज 2, ठीक है। उसके बाद वो कैंसिल हो जाएगा 3 पे, तो -3√2, तो दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, बस ट्विस्ट आपको समझ आना चाहिए। सोल्विंग तो कुछ लंबा चौड़ा पहाड़ नहीं है, दो ग्रेडियंट निकालने हैं, कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं की, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आना चाहिए। क्वेश्चन समझ आ गया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, यानी सोल्यूशन पार्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना समझना मुश्किल है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, स्टिल कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं आपके ग्रेडियंट के टॉपिक में।